आज का विरोध प्रदर्शन है केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिस हिसाब से इस देश के नागरिकों के ऊपर जो एक तरह से जुल्मबाजी, इसको कहा जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम का रिकॉर्ड हो रहा है कि पेट्रोल डीजल का दाम कितना मैंने सेंचुरी पार कर गया, और आने वाले समय में लोगों को और जो है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, इससे मूल्य वृद्धि भी हो रही है। माल जितने भी सामान वगैरह आते हैं सब इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। इसी के खिलाफ सेंचुरी जो केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा करके किया है, इसके खिलाफ हम लोगों की राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री जनमन अधिनायिका ममता बंदोपाध्याय जी के निर्देश पे रिछड़ा शहर तृणमूल कांग्रेस के तमाम हम सभी कर्मीगण आज रास्ते पर उतरे हैं। कब तक चले प्रोटेस्ट? ये हम लोगों का आज भी धरना प्रदर्शन है, कल भी होगा और ये हम लोगों का चलेगा। हम लोगों का क्या है कि हम लोग या देश की जनता जान चुकी है कि दिल्ली की सरकार, भाजपा की सरकार जन विरोधी सरकार है। यह जनता के दुख से दुखी नहीं है, जनता के दुख को और दुखित करने वाली यह सरकार है। इसी के खिलाफ हम लोगों का विरोध प्रदर्शन है। वैक्सीनेशन की अभी क्या स्थिति है रिश्वत? वैक्सीनेशन अभी हम लोगों का जो है अच्छा अच्छे स्तर पर है, और हुगली जिले में नगर पालिका और कॉरपोरेशन में हम लोग अभी अव्वल दर्जे पे हैं। लगभग कितने लोग? लगभग दिया गया है लगभग 40,000 के आसपास आज कंप्लीट होगा। और कई ऐसे लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज भी अभी तक नहीं मिला है, उस पर क्या कहना? सबसे जरूरी ये है कि हम लोगों का जो सरकार के निर्देश के मुताबिक हम लोगों का जो निर्देश जैसे मिल रहा है, जैसे जो लोग ऑटो चालक है, ऑटो चालक है, फल विक्रेता है, सब्जी विक्रेता है, या जो लोग ऑफिस या कल कारखाने में काम करते हैं, जिनके जो लोगों के संपर्क में रहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग पहले वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग अस्वस्थ हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर के वैक्सीन लेने में सक्षम नहीं है, उनके घर भी जाकर के हमारे तमाम जितने भी सम्मानीय बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सदस्यगण, हमारे जाहिद भैया से लेकर के तमाम जितने भी हैं हमारे सम्मानीय वार्ड कोऑर्डिनेटरगण, सभी जो है इसको तत्परता से 2 से 3 बार 4 बार में इलेक्शन कराया गया, लेकिन बंगाल को टारगेट करके 8 बारों में इलेक्शन कराया गया, लेकिन हम लोगों ने इलेक्शन के पहले ही कहा था कि आप देखिएगा ममता बनर्जी की सरकार 200 से ऊपर होगा। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो पब्लिक, जो आवाम के लिए किया है, आज भारतवर्ष में हुगली जिला तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में